क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ 1854 81 बाय कंटिन्यू डिवीजन मेथड। कंटिन्यू डिवीजन मेथड में एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और उस तरह से एचसीएफ निकालते हैं। तो जैसे इस केस में कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, 18 और 54 पर ले लेते हैं। तो 18 और 54 ले लिए, तो 18 और 54 का क्या 3 बार ले गया, 18 4 54 और 1 कट गया, ठीक है। तो इन 18 और 54 का एचसीएफ कितना हो गया 18। अब जो इन दोनों का एचसीएफ आया उससे जो थर्ड नंबर बचा हुआ उसका फिर एचसीएफ निकाले, तो बच गया इसमें एचसीएफ कितना आया 18 और जो बच गया नंबर 81। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 18 और 81 तो 4 मात्र रहेगा तो बच गया 72। इसमें डिवाइड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 9। अब 9 से इसमें भाग देंगे इसको, तो 9 से 18 जिससे हम भाग दिए थे, तो 9 × 2 = 18। तो फाइनली आपका एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आ गया बराबर 9, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यू डिवीजन मेथड, किसी भी दो नंबर को लेंगे और उससे हम एचसीएफ निकाल लेंगे, उसका जो एचसीएफ आएगा जो और बाकी हुए नंबर है बचे हुए नंबर है, फिर दो एक और नंबर लेंगे और ये वाला एचसीएफ लेंगे उसको फिर एचसीएफ निकालेंगे। इसी तरह प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और इस तरह से हम कंटिन्यू डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं।